दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के एक मोलर नेता हैं। मोलर मैं इसलिए नाम दे रहा हूं कि वो बहुत दबंग और बहुत अलग ही प्रवृत्ति के नेता हैं। नाम है उनका नवीन जय हिंद। समझ रहे होंगे आप, आम आदमी पार्टी के पुराने नेता, कभी अरविंद केजरीवाल के बहुत नजदीकी सहयोगी रहे और बाद में अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए पहुंचने वाले नवीन जय हिंद। आम आदमी पार्टी के कभी प्रदेश के संयोजक रहे, तमाम खूंटा गाड़ने से लेकर खूंटा उखाड़ने तक तमाम प्रकार के अपने उनके अभियान चलाए गए। हरियाणा के अंदर कोई नेता आ जाए भारतीय जनता पार्टी का, कभी वो समय था, अमित शाह से लेकर नरेंद्र मोदी तक और मनोहर लाल से लेकर जो उस समय के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे, मतलब छोटे से लेकर बड़ा नेता कोई भी जब हरियाणा के अंदर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आए तो नवीन जिंदल वहां पहुंच जाते थे खूंटा गाड़ने के लिए। वो नवीन जिंदल, नवीन जिंदल जो मोलर, मैंने इसलिए कहा कि आराम से रहते हैं जंगल में खेत में किसी मोलर बाबा साधु संत की तरह। एक पुरानी कहावत है कि जिस प्रकार से जो पुराने लोग चलते थे जिनको मोलर बाबा कहा जाता था कि आई मौज फकीर की और दिया झोंपड़ा फूक, वो अंदाज नवीन जय हिंद का रहा है हमेशा। और नवीन जय हिंद उसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वॉइस मैसेज आप उनके सुन सकते हैं, राम राम जी नवीन जय हिंद बोलू सू, ये तमाम प्रकार की बातें, कभी ट्रैक सूट में, कभी नाइट सूट में, कभी कुर्ता में, मतलब जैसा उनका अंदाज रहा वैसे वो जनता के बीच पहुंच जाया करते थे। इस समय बहुत चर्चा में है, चर्चाओं में तो हमेशा रहते हैं नवीन जय हिंद। नवीन जय हिंद के बारे में ये बात भी चली कि सरकारी नौकरी तक की बात भी उनकी आई। नवीन जय हिंद बनना चाहते थे माननीय, माननीय माने सांसद, दो बार चुनाव लड़ा, लोकसभा का चुनाव लड़ा दो बार, एक बार रोहतक से और एक बार फरीदाबाद से, और दोनों बार आम आदमी पार्टी के निशान पर वो चुनाव मैदान में उतरे। लेकिन सफलता तो बहुत दूर की बात है, सफलता के नजदीक तक भी नहीं पहुंच पाए, सफलता हेर भी नहीं आई जो देहाती भाषा में कहा जाता है। अब आजकल दमादम है नवीन जय हिंद और कह रहे हैं कि राज्यसभा के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा। दरअसल हरियाणा की एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है दीपेंद्र हुड्डा के इस्तीफे से। दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा से राज्यसभा सदस्य थे बतौर कांग्रेस नेता, बतौर कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। और राज्यसभा सदस्य चुने जाने के बाद अब उनको हाल ही में 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस ने उनको अपना कैंडिडेट बना दिया रोहतक से। दीपेंद्र हुड्डा 3.5 लाख वोटों से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गए, डॉक्टर अरविंद शर्मा को हरा दिया, राज्यसभा की सीट खाली हो गई। और राज्यसभा की सीट को भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कश्मकश शुरू हुई। हालांकि पहले ही कह दिया गया था कि दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा से इस्तीफा होने से कांग्रेस को नुकसान होगा, ये सीट आसानी से मिल नहीं पाएगी, क्योंकि जो नंबर का गेम है वो कांग्रेस के फेवर में नहीं है। कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐलान कर दिया भाई कांग्रेस ये चुनाव मैदान में नहीं होगी, तभी से ही राज्यसभा की सीट के लिए खूब दाव पेच चल रहे हैं, खूब बयानबाजी हो रही है। दुष्यंत चौटाला, अजय सिंह चौटाला और उनके जो लाडले हैं दुष्यंत के, दिग्विजय चौटाला, वो अपनी अपनी बात कर रहे हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर तमाम प्रकार के तोहमत मर रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि वो तो मिल जाते हैं कांग्रेस वाले, जो भूपेंद्र हुड्डा के बारे में कहते हैं कि वो तो मिल जाते हैं भारतीय जनता पार्टी से। अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि चुनाव तो लड़ना ही चाहिए, और उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि भाई हमारे पास तो 28 विधायक हैं, 14-15 विधायकों की जरूरत होगी, जिसके पास हो वो सामने आ जाए। दिग्विजय चौटाला को ऑफर कर दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कि दिग्विजय जी को कैंडिडेट बना दो, हम समर्थन दे देंगे। दिग्विजय के मन में भी था सांसद बनने का, तो क्योंकि 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े थे सोनीपत से वो। फिर उसके बाद में दिग्विजय सिंह और जो चौटाला परिवार ने, डॉक्टर अजय चौटाला परिवार ने गेंद फिर डाल दी पाले में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहे कि आप ही लड़ो, हम तो आपके साथ हो जाएंगे। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि भैया अपने 10 विधायकों का समर्थन हमें दिलवा दो। अब 10 विधायक जो हैं जननायक जनता पार्टी के, जो चुनकर आए थे,
उनके तो सबके अपनी डफली अपना अलग राग चल रहा है। मान लें तो केवल चार विधायक ही हैं जो लगता है कि दुष्यंत चौटाला के हक में हैं। आज जोगीराम सिहाग और रामनिवास सुरजाखेड़ा, उनकी तो आप देख लो, उन्होंने तो आज जो सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा था, वेबसाइट्स पर खबरें थी, उन्होंने तो ये कह दिया कि वो होते कौन है कहने वाले, हम क्या उनके गुलाम हैं दुष्यंत चौटाला के और अजय सिंह चौटाला के। बात इसलिए आ गई कि क्योंकि रामनिवास सुरजाखेड़ा और जोगीराम सिहाग दोनों ने लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन दिया था, और इस बात पर जो जननायक जनता पार्टी के जो संगठन सचिव हैं उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिखकर कहा कि इन दोनों विधायकों पर कार्रवाई हो। आज भी चिट्ठी गई थी वो, और उस चिट्ठी से भड़के हुए हैं रामनिवास सुरजाखेड़ा भी और जोगीराम सिहाग भी। अब हुड्डा साहब ने कह दिया था दुष्यंत चौटाला को, भैया अपने 10 विधायकों को लिखवा कर दे दो, लेकिन उनके तो विधायक दो तो मीडिया में बयान दे रहे हैं कि हम क्या उनके गुलाम हैं। रामकुमार गौतम की तो आपको पहले से ही पता है, उनकी तो पहले से ही अपनी डफली अलग बज रही है। ईश्वर सिंह भी नाराज हैं, रामकरण काला भी दूर हैं, मतलब 5-6 विधायक दूर हैं, तो वो कहां से देंगे 10 विधायकों की चिट्ठी। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये आया था कि भैया कोई बीच का आदमी देख लो, उनको हम भी समर्थन दे देंगे। और अब वो बीच के आदमी आए हैं अपने मोलड़ पंडित जी, अपने नवीन जयहिंद। नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ूंगा। अब उनको आज संजीवनी मिल गई, एक ऑक्सीजन तो उनको मिल गई आज, वो मिल गई महम वाले बलराज कुंडू साहब की, जो महम के इंडिपेंडेंट विधायक हैं। उन्होंने समर्थन दे दिया है नवीन जयहिंद को, कह दिया है कि हम आपके साथ हैं, आप लड़ो हम आपके साथ हैं। अभी तक हुड्डा साहब ने भी और दुष्यंत चौटाला ने भी तो कहा नहीं, लेकिन बात यह है कि नवीन जयहिंद के मन में जो हिलोरे मार रही है सारी बातें, उसका सोर्स क्या है। नवीन जयहिंद ने मोलड़ पले में ही कह दिया कि चुनाव लड़ूंगा, या फिर उनको पीछे लग रहा है कोई बात बन जाएगी, क्योंकि 41 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 2 विधायकों का भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला हुआ है, एक गोपाल कांडा का और दूसरा एक इंडिपेंडेंट एमएलए नैनपाल रावत उनके साथ हैं। 43 विधायक उनके पास हैं, 87 सदस्यीय विधानसभा है हरियाणा की इस समय। 3 विधायकों का, क्योंकि इस्तीफा, एक विधायक का देहावसान हो गया था और 2 विधायकों का इस्तीफा हो गया था। वरुण मुलाना जो एमएलए हैं अंबाला, जो वरुण मुलाना एमएलए थे, सॉरी मुलाना क्षेत्र से, उनका भी रिजाइन हो चुका क्योंकि वो सांसद बन गए। और उसके बाद में रंजीत सिंह चौटाला का रिजाइन पहले हो गया क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, इंडिपेंडेंट एमएलए थे, दूसरा रिजाइन हुआ। और तीसरी सीट खाली हुई बादशाहपुर की, राकेश दौलताबाद जी का देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया, वो सीट खाली हुई। 3 सीटें खाली हैं यासीन की। 87 सदस्य विधानसभा है, 44 एमएलए चाहिए, बीजेपी के पास हैं 43, और जो बाकी बचे 44 विधायक हैं, अब उनमें से जो 2 एमएलए हैं जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने तो कह दिया पहले ही कि हम किसी के बाप किसी के गुलाम थोड़े ही हैं, किसी के गुलाम तो है नहीं, उन्होंने कह दिया। और बाकी जो विधायक हैं वो कितने साथ हैं, 3 नाम तो मैंने आपको बता दिए, वो भी अलग रहेंगे। इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस के फेवर में माहौल बनता नहीं था, विपक्ष के नेता का सांसद बनने का माहौल बनता नहीं, लेकिन अपने पंडित जी महाराज नवीन जयहिंद पूरी तरह से दम ठोक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं चुनाव लड़ूंगा राज्यसभा का। वैसे नवीन जयहिंद जी की जो पूर्व की धर्मपत्नी थी, जिनका उनका डिवोर्स हो चुका है, वो राज्यसभा की सदस्य हैं आजकल आम आदमी पार्टी से, स्वाति मालीवाल। लेकिन उनका जो मसला चला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए वैभव कुमार से, वो इतना गर्म हो चुका है कि अब पता नहीं कब स्वाति मालीवाल की सदस्यता चली जाए। जा भी सकती है, जा भी सकती है, क्यों, वह राज्यसभा मेंबर तो है आजकल दिल्ली से। तो बात यह है कि नवीन जयहिंद का, मैं जो आपसे कह रहा था कि वो सारे दावे मोलड़ पने में कर रहे हैं, या उनको कहीं लगता है कि कोई बात बन सकती है। आपको क्या लगता है कि हरियाणा के राज्यसभा चुनाव का जो एक सदस्य का चुनाव होना है, उसमें क्या विपक्ष का प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी के लिए कोई चुनौती बन पाएगा? और आपको क्या लगता है कि क्या नवीन जयहिंद के रूप में जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल के इकलौते विधायक अभय सिंह चौटाला और कांग्रेस के विधायक कुछ खेल कर सकते हैं? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।